धन्यवाद विजय जी। बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर आने का, और उस त्याग तपस्या और दुनिया को जानने की शक्ति और मार्ग दिखाने का काम महात्मा बुद्ध जी ने किया था। परम पूज्य लामा साहब, आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, प्रोफेसर साहब, भारती जी, संतोष जी, भाई ब्रह्म एडवोकेट जी, सम्मान के योग्य, सभी आदर के योग्य बुजुर्ग, नौजवान बंधु व मातृशक्ति, ऐसे महापुरुष जहाँ पर अपने जीवन को त्याग में समाज के उत्थान के लिए लगाने वाले लोग हों, विजय बौद्ध जी जैसे भाई हैं और भी आदरणीय लामा साहब और लोग हैं, तो इस धार्मिक पद्धति के अंदर मेरा ज़्यादा, मैं कोई ज़्यादा आपको बहुत इस विषय में जानकारी ना दे सकता हूँ, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार से राजवंशी परिवार में पैदा होने के बाद, ये दुनिया क्या है, हम लोग रोज लड़ाई झगड़े करते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं इसको समाप्त कर दूंगा, मैं इसकी जगह प्राप्त कर लूंगा, मैं इस पर विजय प्राप्त कर लूंगा, ये सब चीज देखने के बाद अपने पूरे जीवन में उन्होंने जो देखा है, चाहे वो माँ को बेटे से कलेजे को लगाते हुए जब बैठती है, स्तनपान कराती है, तो असली जीवन तो ये मुझे नजर आता है। उन्होंने कहा बाकी तो ये जीवन व्यर्थ है, और जहां तक मौत का सवाल है, जिससे बचने के लिए लोग अपने जीवन को भागम भाग लगे रहते हैं, अस्पतालों में चक्कर लगाते हैं, मैं जीवन कैसे प्राप्त करूं, तो निश्चित रूप से वो जीवन को जीना चाहते हैं, पर हित के लिए जीना चाहते हो या स्वहित के लिए जीना चाहते हो, पर महात्मा बुद्ध हमको ज्ञान देना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति के रूप में परमात्मा ने उसको ये जीवन बख्शा है, और इस जीवन को समाप्त करना तो दुनिया में सबसे आसान है, सबसे आसान कोई काम है तो अपने आप को मौत को प्राप्त हो जाना है, लेकिन इस जीवन में रहते हुए जीवन को जीना और अनेक प्रकार की जिम्मेवारियों को वहन करते हुए आगे बढ़ना, यही कष्टदायक जीवन है। लेकिन आज हम जिस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम के रूप में आज आयोजन किया है, समिति के लोगों ने, मैं बधाई दूंगा इन सब लोगों को, और बधाई इसलिए दूंगा कि आज 11 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा फांसी पर लटक जाते हैं, जीवन को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनको ये उनकी ये सोचने की शक्ति समाप्त होती है, जीवन किस रूप में किस लिए हमें मिला है, और इन सब कुरीतियों से बचने के लिए, इस प्रकार के धर्म के मार्ग पर चलने के लिए 30 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा के उस अवसर पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को आगे ज्ञान देने के लिए, हमें जीवन सीखने के लिए, अपने परिवारों को जीवन सिखाने के लिए हम इस जीवन को आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ऐसे समाज में लोग काम करते हैं, तो वो जो समाज में लोग काम करते हैं वही धन्य है, वरना और अनेकों प्रकार के क्षेत्रों में लोग काम करते हैं तो निजी स्वार्थों को लेकर, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति से मनुष्य को उसके जीवन को बताने के लिए जो आगे काम करते हैं वही सही मायनों में मनुष्य है। मैं तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कार्यक्रम में आया हूँ तो मुझे तारीफ करनी है, लेकिन आप जैसे लोग, विजय जी आप जैसे लोग ही समाज को मार्ग दिखा रहे हैं, और समाज को सुमार्ग को दिखाते हुए हमें जीवन को, जो हमने अपने निजी स्वार्थों के लिए आपस में बांट दिया है, किन्हीं किन्हीं रूपों में, किन्हीं किन्हीं भेदों में, किन्हीं किन्हीं अपने मानने वाले संस्कारों में हमने बांट दिया है, इसके लिए आप इस अच्छे कार्यक्रम, अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हमारी तरफ से बधाई। परमपिता परमेश्वर महात्मा बुद्ध आपको शक्ति दे, आपको स्वस्थ बनाए रखे और समाज के काम को आगे बढ़ाते रहें। भाई लाला जी और सभी टीम के सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।